मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे पियोलेस होप मोर इटलेस चीव मोर वाइन लेस ब्रीट मोर टॉकलेस से मोर हेटलेस लव मोर एंड ऑल गुड थिंग्स शाल बी योर मैं श्रेयस बढ़े आप सबका एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम लेक्चर लेक्टी फोर्थ में डिस्कशन करेंगे जिसमें हम आज गुप्ता पीरियड एक नई एक डायनेस्टी को शुरू स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम उसका फर्स्ट पार्ट द रूलर्स को स्टडी करेंगे जैसे कि गुप्ता पीरियड जो ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एंशियट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का तो इसे हमें कुछ पार्ट्स में यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो आज हम फर्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे और जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वो उन्हें देख ले ताकि आपको ये लेक्चर समझने में और भी ज़्यादा आसानी जाए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये मेरा फेसबुक पेज है और अपडेट्स चाहते हो तो फेसबुक पेज पर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम का चैनल जो श्रेयस बड़ी है चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये मेरा यूट्यूब चैनल है सो एज़ यूजल हम मैप देख लेते हैं जैसे कि हम अब तक जितने भी हमने डायनेस्टिक्स पढ़े उसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी मैप से अब यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं ये मैप है काफी टाइम बाद जब ये चले गए जो मौर्य थे वो चले जाने के बाद काफी टाइम बाद इस तरह का एक थोड़ा यूनिफाइड मैप दिखा उतना बड़ा नहीं है हालांकि बट काफ़ी यूनिफाइड मैप यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है जो कि बनता है गुप्ता का सो so, आइए हम सबसे पहले देख लेते कि ये जो आज का टॉपिक ये जो अभी हमारा टॉपिक रहने वाला है गुप्ता पीरियड इससे हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है सो so, इसमें हम पढ़ेंगे रूलर्स रूलर्स जो जो रहे हैं गुप्ता पीरियड में इंपॉर्टेंट रूलर्स को ही हम स्टडी करेंगे ऐसे रूलर्स तो काफी सारे होते हैं उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था सोसाइटी किस तरह से समाज व्यवस्था किस तरह से थी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती थी उनका कल्चर जो संस्कृति थी वो गुप्ता संस्कृति या फिर हम यहाँ पे एक टाइप ऑफ गोल्डन कॉइन्स गोल्डन कॉइन्स जो है ये काफी फेमस है गुप्ता पीरियड के इवन गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन एज भी कहा जाता है एंशेंट इंडिया का तो गुप्ता पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है मौर्यन और गुप्ता पीरियड पे बुद्धिज्म जैनिज्म ये जितने भी मेन टॉपिक्स है उसमें से ही एक ये गुप्ता पीरियड वाला टॉपिक है सो यहाँ पे हम कुछ टाइप ऑफ गोल्ड क्वाइंस भी पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम गुप्ता पीरियड जो है ये इसे गोल्डन एज ऑफ एंटीचंट इंडिया कहा जाता है क्या ये मिथ है या फिर ये रियलिटी है इज इट रियलिटी और मिथ ये भी स्टडी करेंगे सो so, इतने सारे हमें चीजें यहाँ पे स्टडी करना है तो आज हम आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं रूलर्स अब रूलर्स में भी हम जो सबसे पहले रूलर पढ़ेंगे उनका नाम है श्री गुप्ता अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि ये लोगों का अगर हम ओरिजिन देखते हैं गुप्ता का तो ये बहुत अनसर्टेन है इसके बारे में इतने इनफ सोर्सेस नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए थे कौन थे ये हम बता सकते हैं बट इनके जो फाउंडर है उसके कुछ थोड़े बहुत हमें सोर्सेस मिले जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के वो श्री गुप्ता नाम के जो व्यक्ति है वो र, वो हुए हैं इसीलिए इस डायनेस्टी को गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है क्योंकि इसके फाउंडर ही गुप्ता है सो ये एक हमें थोड़ा सा एविडेंस मिलता है और ही इज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी यह चीज याद रखिएगा ऐसा माना जाता है इनका जो रीन था वो 240 फोर्टी एडी से टू एटी ए तक चला बहुत ज्यादा कंफर्म डेट नहीं है ये इसके डेट पे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे ये चीज याद रखिएगा बट जो गुप्ता डायनेस्टी है वो पूरी तरह जब एस्टैब्लिश होती है तो उसकी सबसे एक्सेप्टेड डेट जो मानी जाती है वो थ्री वन एडी मानी जाती है हालांकि इन्होंने सिर्फ शुरुआत की थी जैसे आप एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत करते हैं जब वो एक्सपांड होकर जब उसको एक रिकोग्निशन मिलता है तो फिर वो होता है एक उसका रीन शुरू होता है उसी तरह ये इन्होंने सिर्फ फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी को तो मेन जो शुरू होती है ये तो थ्री वन नाइन एडी से होती है तो गुप्ता डायनेस्टी के ये फाउंडर थे और इन्होंने जो टाइटल लिया था वो था महाराजा महाराजा नाम का इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था तो ये भी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है श्री गुप्ता के बारे में श्री गुप्ता के बारे में हमें इतनी चीजें याद रखना जरूरी है इसके बाद जो हम सेकेंड रूलर देखते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा ही जानना है उनका नाम है घटोत्कच घटोत्कच के बारे में सिर्फ इतना भी आपको पता रहा कि ये जो घटोत्कच है ये श्री गुप्ता के बेटे थे और इन्होंने भी जो टाइटल लिया था ये महाराजा ही टाइटल लिया था तो ये दो जो रूलर्स है इनके बारे में हमें काफी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है श्री गुप्ता के बारे में हम इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे और घटोत्कच इनके बेटे थे इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो चंद्रगुप्त वन है फर्स्ट है उनके पिता थे घटोत्कच इसीलिए हमने घटोत्कच के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिए अब हमें जो इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ना शुरू करना है वो आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वहां से हमें मेन रूलर्स को स्टडी करना होता है थोड़ा सा डिटेल में अब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उनका भी रीन जो है जो इनका ईरा रहा वो बहुत ज्यादा इसकी डेट हमें फिक्स नहीं मिली एविडेंस से फिर भी हमें इतना पता चलता है कि तीन या तीन से इनका रूल शुरू होता है और इनका जो रूल चलता है वो एक तो 335 तक होगा या फिर 350 फिफ्टी तक होगा इसके आसपास इनका रूल रहा है तो ये कन्फ्यूजन्स है काफी सारे अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग चीजें दी हुई है सो जो सब सबसे एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड जो डेट है जो रीन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है

टाइटल एज्यूम किया था वो था महाराजाधिराज महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा एक बहुत ही महान राजा इसीलिए महाराज राज ग्रेट किंग ऑफ किंग्स सो ये चीज आपको याद रखनी है तो अब तक तो सब खुद को महाराज ही कहते थे ये कहते थे महाराजाओं का भी महाराज हूँ यानी मैं एक ग्रेट किंग हूँ उसके साथ साथ इन्होंने अगर आप देखोगे तो इन्होंने सबसे पहले एक चीज यहाँ पे याद रखी थी कि जो मगध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है तो मगध किंगडम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था तो इन्होंने मगध किंगडम का जो इम्पोर्टेंस था सो so, उन्होंने उस इंपॉर्टेंट किंगडम को अपने कब्जे में किस तरह से लिया उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया जो मगध था उस पे कोई उन्होंने युद्ध नहीं किया था तो आप जानते मगध का लोकेशन ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूं सो so, मगध पे कोई उन्होंने युद्ध ना करते हुए वहां की जो प्रिंसेस थी जो जिनका नाम था कुमार देवी सो so, लिच्छवी वहां पे रूल करते थे लिच्छवीज की जो प्रिंसेस हुआ करते थे कुमार देवी जो राजकुमारी थी उससे शादी कर ली और शादी करने के बाद ये इनके पास आ गया मगध अब मगध यानी देखिए उनका ससुराल ही था मगध तो मगध तो इनपे कभी अटैक करेगा नहीं तो मगध से इनके रिलेशन अच्छे हो गए चंद्रगुप्ता ने ये यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी अपनाई सो so, अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अपना जो किंगडम था उसे काफी बढ़ाया कॉन्क्वेस्ट के थ्रू भी बढ़ाया गया कॉन्क्वेस्ट के थ्रू अगर हम देखेंगे तो युद्ध करके या वॉर लड़के भी इन्होंने काफी सारा अपने एरिया जीता था आजू बाजू का अपने किंगडम में उसे शामिल करा लिया था अगर हम देखते हैं इनके वक्त की टेरिटरी गुप्ता की तो वो गंगा से लेके तो प्रयाग तक थी प्रयाग आप जानते हैं कौन सी जगह है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है प्रयाग प्रेजेंट है कहाँ पे है ओके आप तो अच्छे से जानते हैं ओके सो गंगा से लेके तो प्रयाग तक का एरिया इन्होंने जीत लिया था ये थ्री ट्वेंटी एडी तक इन्होंने ये काम कर लिया था यानी तीन या तीन

इस तरह का कॉइन का नाम हम लेते हैं तो क्योंकि इन दोनों का भी यहाँ पे पिक्चर आपको बना हुआ दिखता है कॉइन में जो हम आगे देखेंगे उसके साथ साथ ही वो सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी इन टू अ ग्रेट किंगडम है ना तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं जब इनके पास ये किंगडम आता है ये डायनेस्टी आती है तो ये बहुत छोटी एक डायनेस्टी होती है और इन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रेट किंगडम इनको बनाया था ये भी बहुत सक्सेसफुल रहे इसमें उसके साथ साथ इसीलिए इनको द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है तो पहले जो महान राजा सच में दिखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के वो बनते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट सो तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आपको तो इतनी सारी चीजें ही याद रखने की जरूरत है अब हम बढ़ते हैं अगले रूलर की तरफ जो अगले रूलर हमें पता चलते हैं वो है समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो है इनका जो रीन माना जाता है ये भी एक दो तरह के हमें रीन हमें यहाँ पे पता चलते हैं एक डेट जो मानी जाती है वो है थ्री थर्टी फाइव या फिर थ्री फिफ्टी एडी से लेके तो थ्री सेवेंटी फाइव या फिर थ्री एटी एडी तक ये डेट हमें पता चलती है तो इन दोनों में से कोई भी डेट हो सकती है यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आने के चांस नहीं है क्योंकि ये जो चीजें फिक्स है उसपे क्वेश्चन आना के चांसेस नहीं होते उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो भी चंद्रगुप्त फर्स्ट थे और जो कुमार देवी थे उनके ये बेटे थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त फर्स्ट और जो कुमार देवी थी इनकी जो आ, जो वाइफ थी या फिर जो क्वीन थी उनके ये बेटे थे उसके साथ साथ इन्हें मिलिट्री जीनियस, जीनियस कहा जाता है मिलिट्री जीनियस इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए उन्होंने बहुत सारा जो टेरिटरी वो गुप्ता एम्पायर में शामिल करा के ली थी ये बहुत मिलिट्री का इस्तेमाल करके अटैक करते थे आजू के किंगडम पे और उसे जीत के लाते थे अगर हम देखते तो गुप्ता एम्पायर यहाँ तक था तो इसे

उसके अलावा उन्होंने 12 किंग्स को हराया था साउथ के रीजन के जो उनके साउथ में जो भी किंगडम थे वहां के और 18 फॉरेस्ट के ट्राइब्स जो है उनको हराया था इन्होंने यानी देखते आप कितने महान एक तरह से रूलर हमें देखने मिलते हैं तो साउथ में अगर हम जाते हैं तो इतने सारे लोगों को हर जगह इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को हराया और काफ़ी सारा अपना जो किंगडम है उसे एक्सपांड कर लिया यानी अगर हम देखते एक्सटेंशन तो हिमालय से लेके नॉर्थ में हिमालय से ले तो कृष्णा और गोदावरी रिवर तक साउथ में है ना तो हिमालय से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हिमालय से तो कृष्णा गोदावरी रिवर तक इन्होंने पहुंचाया था हिमालय से लेके तो कृष्णा गोदावरी रिवर तक पहुंचाते हैं ये जो भी इनका टेरिटरी था गुप्ता डायनेस्टी का वो और अगर हम देखते तो बाल्क से लेके अफगानिस्तान में बालक करके जो जगह है वहां से लेके वेस्ट में तो रिवर तक ईस्ट में है ना तो यहाँ पे अगर हम दूसरा एक्सटेंशन देखते हैं तो अफगानिस्तान से लेके तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मापुत्रा नदी तक इस तरह से बहुत बड़ा एक किंगडम इन्होंने बनाया था इस किंगडम को बहुत बड़े किंगडम में इन्होंने कन्वर्ट किया था वो थे समुद्र इन्हें तो ग्रेटेस्ट किंग भी कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी के उसके बाद अगर हम देखते तो वैष्णवाइट हिंदुआज़म को फॉलो करते थे तो इसका मतलब ये नहीं वैष्णवाइट यानी क्या मैं आपको बता थे जो विष्णु के फॉलोअर्स होते हैं वो वैष्णवाइट कहलाते हैं जो शिव के फॉलोअर होते हैं उन्हें शैवाइट कहा जाता है और जो सक, शक्ताइट है या फिर शक्तिज्म है शक्ताइट यानी जो देवी को मानते हैं शक्ति को मानते हैं वो लोग सो इस तरह से ये वैष्णवाइट यानी ये विष्णु के फॉलोअर थे हिंदुआज़म में जो होता है एक्सेक्ट वो उसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो रिलीजन थे उसके लिए उनके प्रति ये इनके मन में कोई नफरत थी ऐसा कुछ नहीं था ये सबको टॉलोरेट करते थे उसके साथ साथ उन्होंने देखते हैं आप तो श्रीलंका में उन्होंने परमिशन भी दी थी इवन मेघवर्ण को मेघवर्ण को उन्होंने कहा था कि वो मोनेस्ट्री बनाए बोध गया में ओके सो इसका मतलब मोनेस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते थे यानी बुद्धिज्म को भी इनका सपोर्ट था इस तरह से अलग अलग रिलीजन को भी सपोर्ट किया करते थे ये हो गए वैष्णव हिंदुज्म के फॉलोअर बट ये बाकी इसके लिए भी रिलीजन के लिए टॉलरेंस रखते थे उसके साथ साथ यह चीज याद रखेगा इस पर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हें इंडियन नेपोलियन कहा जाता है इन्हें इंडियन नेपोलियन का खिताब दिया है और वो किसने दिया है तो हिस्टोरियन एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ या फिर इन्हें वी ए स्मिथ भी कहा जाता है उन्होंने इंडियन नेपोलियन कहा है कभी अगर क्वेश्चन आया इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है तो याद रखेगा समुद्र को क्योंकि इनके जो कॉन्क्वेस्ट थे वो नेपोलियन के तरह थे आप जानते हैं नेपोलियन जो थे वो किस तरह से युद्ध करके इरियाज जीतते थे ये भी वैसा ही करते थे इसके साथ साथ इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस भी किया था अश्वमेध सैक्रीफाइस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एशियंट हिस्ट्री में जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे उसी वक्त मैंने आपको बता

उनका जो कॉइन है उसमें उनको रिस्टोरियर ऑफ अश्वमेध भी कहा जाता है तो इतने साल से जो अश्वमेध यज्ञ होते हुए नहीं दिख रहा था क्योंकि इतना पावरफुल कोई रूलर अब तक आया ही नहीं था काफी टाइम बीत चुका था और अभी अगर देखते तो ये बहुत सालों बाद इस तरह का यश्वमेध यज्ञ होते हुए दिखा था सो ये सब चीजें इनको अलग अलग टाइटल्स भी मिले हैं जैसे कि इनको कविराज भी कहा जाता था उनको परम भागवत कहा जाता था इनके तो दरबार में काफी सारे पोएट हुआ करते थे इवन कहीं 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 सोर्सेस में तो ये भी लिखा है कि ये खुद भी कंपोज करते थे कुछ पोएम्स सो इन्हें कविराज कहा जाता है कवियों के राजा उसके साथ साथ परम भागवत कहा जाता है अश्वमेध परिक्रम कहा जाता है अश्वमेध परिक्रम इसीलिए क्योंकि इसमें इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था इनको विक्रम कहा जाता है इनको सर्वराज उच्छेटा कहा जाता है सर्वराज जो छटा का मतलब होता है अप अपरुटर ऑफ ऑल किंगडम्स यानी सभी किंगडम्स को जड़ से उखाड़ के फेंक देने वाला इंसान ऐसे थे ये चंद्र समुद्रगुप्त तो समुद्रगुप्त एक ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के अब अगले जो किंग है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे तो स्टार मार्क कर लीजिएगा चंद्रगुप्त सेकंड इनका रीन रहा 380 से 3, 415 एडी तक अगर हम देखते हैं यहां पे तो सो so, इनका मोस्ट एक्सेप्टेड रीन आपको यहाँ पता चल चुका है 380 से 415 वन एडी तक अब चंद्रगुप्त टू जो है इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके सामने आपने स्टार मार्क भी कर दिया है क्योंकि इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली है काफ़ी सोर्सेस है जिसमें इनकी बात की जाती है तो सबसे पहले ये किसके बेटे थे तो समुद्र गुप्ता और उनकी जो क्वीन है जिसका नाम था जिनका नाम था दत्ता देवी उनके बेटे हुआ करते थे चंद्रगुप्त सेकंड उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है उसके साथ साथ अगर हम देखते तो इन्होंने काफी ये जो गुप्ता डायनेस्टी था इनको एक्सटेंड किया जैसे कि वो सौराष्ट्र जो रीजन है उसको वहां तक भी पहुंचा दिया था गुजरात में अगर आप देखते हैं तो द वेस्टर्न कोस्ट लाइन इन्होंने बना ली थी अगर हम देखते तो सौराष्ट्र वाला जो रीजन है ये भी ये जीत लेते तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन इनको मिल जाती है व्यापार करने के लिए काफी अच्छे होते कोस्ट उसके साथ साथ देवी चंद्र करके एक किताब है ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है मैं आपको अगर आपको बताऊंगा तो और काफी एक शूर भी लगते हैं ये स्टोरी से तो देखते क्या लिखते हैं देवी चंद्रगुप्त किताब में विशाखा दत्त ने लिखी हुई किताब है देवी चंद्रगुप्त देवी चंद्रगुप्त में वो लिखते हैं कि समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्टली चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ये रूल करने नहीं आए थे इनके बाद एक और इनके जो बड़े भाई थे चंद्रगुप्त टू के या फिर समुद्रगुप्त के बड़े जो बेटे थे जिनका नाम था रामगुप्त वो आए थे रामगुप्ता ने भी रूल किया है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया हुआ है ऐसा यहाँ पे कहा जाता है रामगुप्ता जो थे ये कॉवर्ड थे एक तरह से देखेंगे बहुत डरपोक थे और एक इंपॉर्टेंट किंग थे ये लिखा हुआ है और हमें ये पता चलता है कि जब उनपे जो शक डायनेस्टी वाले लोग हैं जो शकाज है हम ऑलरेडी इनको स्टडी कर चुके हैं जो शकाज थे उन्होंने जब अटैक किया था गुप्ता डायनेस्टी पे सो गुप्ता डायनेस्टी को इन्होंने जब अटैक होता है तो शका को ये कहते कि नहीं भाई साहब मैं डर गया आपके अटैक से आप अगर चाहे तो मैं सरेंडर कर देता हूं अपना किंगडम तो ठीक है भाई साहब ये भी दे दो और उन्होंने बोला कि आपकी जो क्वीन है वो भी हमारे सामने सरेंडर कर दो तो इवन उनकी जो क्वीन क्वीन थी राम की जो वाइफ थी या इनकी जो क्वीन थी जिनका नाम था ध्रुव देवी ध्रुव देवी भी सौंप देते हैं उन शक इन्वेडर्स को और अगर हम यहां पे देखते हैं तो चंद्रगुप्त टू जो थे ये इनके छोटे भाई थे छोटे भाई ने जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सबसे पहले एक प्रॉमिस ले ली थी एक शपथ ले ली थी कि मैं ये सब जो मेरे बड़े भाई ने किया है राम गुप्ता ने जो कि डरपोक है कि मेरा यानी ये किंगडम देने को रेडी हो गया इन्हों, इन्होंने इवन इन्होंने रानी दे दी सो ये सब चीज़ें मैं नहीं होने दूंगा ये सब चीज़ें मैं वापस लाऊंगा और वो जाते हैं कि शका के पास और शका को मार देते शका को मारने के बाद वो राम जो उनके बड़े भाई उनको भी मार देते क्योंकि उनको पता है इस तरह के कमजोर लोग अगर रूल करेंगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे सो राम का को वो मार देते हैं गुस्सा गुस्सा काफ़ी होता है उनका रामगुप्ता पे उन्होंने जो हरकत की थी उससे और अगर हम देखते हैं तो ये शका का या फिर रामगुप्ता का किंगडम ही नहीं ले लेते तो इनकी जो विडो थी यानी रामगुप्ता की जो वाइफ थी या फिर जो क्वीन थी ध्रुव देवी उससे भी शादी कर लेते हैं सो इस तरह से चंद्रगुप्त टू फिर फ्रेम में आ जाते हैं और अगर हम देखते हैं सो so, उनको जो टाइटल मिल दिया गया है जो जिस टाइटल से उन्हें बुलाया गया है वो है शकारी तो शकारी क्यों कहा जाता है शक को मारने वाला शकारी शक को हार हराने वाला शक को ख़त्म करने वाला इसलिए शकारी ये नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त गुप्ता टू को तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है इसे अच्छे से याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बाद तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सिर्फ वॉर ही नहीं तो मैट्रीमोनियल अलायंस भी उनके काफ़ी अच्छे थे उन्होंने किंगडम को काफी एक्सपांड किया था अगर हम देखेंगे तो मेट्रीमोनियल अलायंस इनका नागा के साथ था वकाटक्स करके जो है आज़ु आज़ु जो रूल करते थे उनके साथ इनका यहाँ पे देखते हैं वकाटक है सो वकाटक के साथ भी इन्होंने मेट्रोमोनल अलायंस बनाए थे शादियां करते थे अलायंस क्या यहाँ की कोई जो प्रिंसेस होगी जो राजकुमार होगी उससे शादी कर लो ताकि आप दोनों के रिलेशन अच्छे बन जाए सो ये तो इन्होंने किया ही था तो उन्होंने इवन रिलेशन इतने अच्छे बनाए थे थे वाकाटक से वाकाटक की जो रूलर थे जिनका नाम महाराष्ट्र के जो रूलर थे वाकाटक डायनेस्टी के जिनका नाम था रुद्र सेना सेकेंड सो रुद्र सेकेंड, सेना सेकंड के, के साथ उन्होंने अपने बेटी की शादी किया कराई थी चंद्रगुप्त टू ने सेकेंड ने और इनकी जो बेटी थी चंद्रगुप्त सेकंड की उनका नाम था प्रभा पावती गुप्ता ओके सो प्रभा पावती गुप्ता जो है उनकी शादी करा दी थी उन्होंने और इस तरह से वकाटक के साथ भी इनके रिलेशन बन गए थे ये ससुर बन गए थे फिर रुद्रसेना सेकंड के यानी वकाटक के ससुर थे चंद्रगुप्त टू अगर हम देखेंगे तो शत्रप किंगडम है उनको भी उन्होंने एनेक्स कर लिया था तीन शत्रप किंगडम्स को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था सो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शत्रप्स आपको दिख रहे इनके ऊपर भी अटैक कर लेते और यहाँ तक भी एक्सटेंड हो जाता है इस तरह से ये एक्सटेंड एक्सटेंड करते रहते अपना पूरा डायनेस्टी और वो एक और बात ये है कि शका जो किंग थे जिनका नाम था रुद्र सिंहा थर्ड उनको भी उन्होंने हराया था जैसे कि मैं आपको यह स्टोरी में ही बता चुका हूँ उनको हराने के बाद उन्हें सौराष्ट्र और काठियावाड़ भी मिल जाता है सो so ये एक और चीज है जो हमें यहाँ पे पता चलती है सौराष्ट्र और काठियावाड़ यानी अभी जो गुप्ता है वो काफी बढ़ चुकी थी देखेंगे आप तो काफी बढ़ेगी सो so ये आप देख सकते हैं इस मैप में किस तरह से बढ़ती है देख रहे है आप सबका ये यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रगुप्त टू ने ये एरिया जीता था यह समुद्र गुप्त टू ने जीता हुआ एरिया ये समुद्री समुद्र गुप्त ने जीता हुआ ये समुद्र गुप्त ने जीता ये समुद्र गुप्त और ये चंद्रगुप्त टू ने इस तरह से ये बड़ा बन जाता है तरह से अगर हम देखेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी अब हम एक इंपॉर्टेंट सी चीज देख लेते चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और वो ये है कि इनका जो दरबार था इसमें नाइन ज्वेल्स हुआ करते थे जिनको नौ रत्न कहा जाता है रत्न यानी ज्वेल नौ रत्न यानी नाइन ज्वेल्स रहा करते थे नौ रत्न का मतलब होता है नाइन पीपल एमिनेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस तो इस फील्ड से जो लोग होंगे जो कि एकदम एक्सपर्ट लोग हैं वो इनके इसमें रहा करते थे नवरत्न रहा करते थे नाइन ज्वेल्स रहा करते थे जिस तरह से हम मिडिवल में अगर नवरत्न की बात करते थे वो अकबर के पास थे जैसे कि अकबर के जो थे वो बिरबल और एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब थे तो यहाँ पे वैसे आपको देखने मिलते है। देखते हैं उनके नाम क्या है इनके नाइन ज्वेल्स या नवरत्न के चंद्रगुप्त सेकेंड के सबसे पहले कालिदास करके जो संस्कृत कवि है जो पोएट है वो इनके नवरत्न में से एक थे उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हरिसेना अमर सिंह अमर सिंह हाँ, जिन जो लेक्सोग्राफर थे लेक्सिकोग्राफर थे लेक्सिकोग्राफिया ने आप कह सकते हैं कि डिक्शनरी और ये सब बनाने वाला इंसान तो ये अमर सिंह थे उसके साथ साथ धनवंतरी का नाम आपने सुना धनवंतरी जो थे ये फिजिशियन थे एक तरह से तो ये भी इनके इसमें रहा करते थे बाकी जो है इनके नाम आपको याद नहीं रहे तो भी चलता है ये पहले के तीन चार नाम आपने याद रख लिए बाद में जो थे वरा मिरा वरा अरुचि इन्होंने संस्कृत ग्रामर ग्रामर बनाया था वरा उसके साथ साथ घटकरना क्षप्रणक उनके साथ वेला भट्ट इतने सारे इनके नौ लोग ये नाइन रत्न या नाइन ज्वेल्स ये बनते हैं नौ रत्न उसके बाद फाहीन करके फाहीन जो थे ये बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे जो चाइना से आए थे इंडिया में इनके रीन के वक्त और वो ये लिखते हैं कि चंद्रगुप्त टू के वक्त जितना मैंने देखा फाहीन लिखते हैं जो कि चाइना से आए थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है ये गुप्ता एम्पायर यानी काफी प्रॉस्पेरस था गुप्ता एम्पायर यानी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था गुप्ता एम्पायर में इस वक्त ऐसा फाहीन ने लिखा हुआ है सो ये सब है जो चीजें हमें पता चलती है उसके बाद में आपको ये बता देता हूँ आखिरी चीज इनके बारे में कि इनको बहुत अलग अलग टाइटल्स भी दिए अलग अलग नाम से भी जाने गया ऐसा कॉइन्स में पता चलता है देखिए गुप्ता के जो कॉइन थे वो काफी अः फेमस थे यहाँ पे आप कॉइन्स देख रहे हैं तो आगे हम देखेंगे ये कॉइन्स पे लिखा के जाता है सब चीजें सो इससे पता चलता है कि किस किस नाम से इन्हें बुलाया जाता था So, बुलाया जाता था विक्रम नाम से देवगुप्ता नाम से देवराज नाम से सिंह विक्रम नाम से उसके साथ साथ विक्रम आदित्य या फिर शकारी नाम से ये सब नाम से इन्हें बुलाया जाता था ये सब हमें पता चलता है कुछ कॉइन से तो अलग अलग टाइटल्स इन्होंने अज्यूम किए थे सो so, ये थे चंद्रगुप्त सेकंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता डायनेस्टिक अब आखिरी के दो रूलर हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं सो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुमार गुप्ता जो है कुमार गुप्ता फर्स्ट ये बनते हैं अगले रूलर ये थे चंद्रगुप्त सेकेंड के बेटे जो कुमार गुप्ता है इनका जो रीन है जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट मानी गई है वो है 415 से 455 फिफ्टी तक की डेट ये बेटे थे चंद्रगुप्त सेकेंड के सन थे उसके साथ साथ हमको याद रखना है कि इनके वक्त अगर हम देखते हैं तो हुन करके जो लोग हैं वो अटैक कर रहे थे इंडिया पे ये आप देख रहे हैं हुन जो है उनका ये, ये रीजन था और इन्होंने अटैक कर दिया था इंडिया ये हुन मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल इंडिया के लोग थे जो इन्होंने अपना किंगडम यहाँ पे सेटअप किया था और इनको अभी यहाँ पे अपना किंगडम जो है एक्सपांड करना था इसलिए गुप्ता एम्पायर पे अटैक कर रहे थे सो so इनके वक्त ये अटैक शुरू हुए थे और वो थे कुमार गुप्ता के वक्त अगर हम देखते हैं तो वो कार्तिकेय के वर्षी पर थे वो कार्तिकेय जो है उनकी पूजा करते थे आप जानते कार्तिकेय कौन है ओके okay, तो उनकी पूजा करते थे हिंदू जो हिंदुज्म में एक गॉडेस है सॉरी गॉड है गॉड है कार्तीय कार्तिकेय नाम के सो कार्तिक के या जो है या फिर कार्तिक जो है ये गणेश जो है उनके भाई है गणेश जी के यानी अगर हम देखते हैं तो जो शिवजी और पार्वती जी हैं उनके ये बेटे कार्तिकेय जी सो ये इनके पूज पुझ, पूजा करते थे कुमार गुप्ता सेकेंड और इन्होंने नालंदा महावीर जो है जगह वो बनाई है ये एक सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करती थी नालंदा महावीर सो यहाँ पे आपको टीचिंग्स दी जाती थी ये पढ़ने के लिए यहाँ पे गुरु शिष्य लोग रहा करते थे नालंदा महावीर उन्होंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी इनके पास भी अलग अलग टाइटल्स थे जैसे कि महेंद्रादित्य महेंद्र सिंह उसके साथ साथ अश्वमेघ महेंद्र इस तरह से इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था अश्वमेध क्यों क्योंकि अश्वमेध यानी घोड़ा घोड़े से रिलेटेड तो यज्ञ और ये सब से रिलेटेड तो इन्हें अश्वमेध महेंद्र भी कहा गया है सो so, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कुमार गुप्ता फर्स्ट के बारे में अब हमें जो आखिरी रूलर यहाँ पे स्टडी करने हैं वो है स्कंदगुप्त तो स्कंदगुप्त ये इंपॉर्टेंट आखिरी रूलर थे इनके वक्त से जो डिक्लाइन था ये शुरू हुआ बट मौर्य ये जो गुप्ता डायनेस्टी इसके आखिरी रूलर ये नहीं थे गुप्ता डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे वो थे कुमार गुप्ता थर्ड कुमार गुप्ता थर्ड थे बट ये स्कंद गुप्ता जो है ये आते हैं कुमार गुप्ता फर्स्ट के बाद कुमार गुप्ता जो फर्स्ट थे उनको उनके बेटे हुआ करते थे ये बेटे थे जो आ, स्कंद गुप्ता है और इनका मैं मोस्ट एक्सेप्टेड डेट जो मानी जाती है वो 455 से 467 सिक्सटी सेवन मानी जाती है उन्होंने हून जो थे उन्होंने सक्सेसफुली हराया था अब आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दो कुमार गुप्ता फर्स्ट जो थे जब हून लोग अटैक करते थे नॉर्थ से कुमार गुप्ता पे तो क्या करते थे उनका जो बेटा है ना उनको ये काम उन्होंने सौंप के रखा था कि बेटा तो संभाल उन लोगों को उनको आने मत दे और ये जो बेटा था जिसका नाम था स्कंद उसको बचपन से ही प्रैक्टिस कि के साथ कैसे लड़ना और उन्होंने स्कंद ने उनके बेटे ने चंद्रगुप्त कुमार गुप्त फर्स्ट यानी जो इनके बेटे थे स्कंद गुप्त उन्होंने आखिरकार हुन लोगों को हराई दिया जो बचपन से प्रैक्टिस जो काम आती इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ओके उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्होंने हालांकि जो हुन थे उनको तो हरा दिया बट जो कंटिन्यूस अटैक किए थे हुन लोगों ने वो अटैक्स के चलते जो एम्पायर था वो वीक होने लगा काफ़ी सारा पैसा जो है वो ये अटैक्स संभालने में वेस्ट होने लगा और उस तरह से अगर हम देखते तो इकोनॉमी काफ़ी अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हो गई थी और किंगडम जो था वो पूरा वीक हो गया था इस टाइम पे स्कंद के टाइम पे उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि अब यहाँ पे जब एम्पायर वीक होने लग गया और इकोनॉमी यहाँ पे डाउन होने लग गई तो ये क्लियरली पता चलता है कि यहाँ से शुरू होता है जो डिक्लाइन था वो एक तरह से यहाँ से नीचे नीचे जाने लगा और धीरे धीरे करके कुमार गुप्ता थर्ड तक तो ये पूरा गुप्ता डायनेस्टी ही खत्म हो गया सो so इन्होंने जो अलग अलग टाइटल्स लिए थे वो थे विक्रमादित्य हो गया क्रमादित्य हो गया या फिर परम परम भागवत हो गया शर्क्रोपम हो गया या प्रपमा हो गया या फिर हम देख सकते हैं देवराज हो गए तो इस तरह से अलग अलग टाइटल्स लिए थे स्कंद गुप्ता ने तो ये जो जितने भी हमने पढ़े यहाँ पे ये थे इंपॉर्टेंट रूलर्स जो कि इतना बड़ा जो गुप्ता डायनेस्टी था उसको बनाने में सक्सेसफुली बनाने में सफल रहे थे

सो so, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें शेयर करें ज्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप आ, और अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो कर सकते हैं श्रेस बड़े श्रेष बड़ी, बड़ी इंटरप्रिटेशन है मेरे फेसबुक पेजेस के नाम है आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं श्रेस बड़ी द पीस लवर ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है श्रेस बड़ी एट आप मुझे मेल भी कर सकते हैं तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो